ईशान ने दी ध्रुवा को स्ट्रिक्ट वार्निंग और कहा कि अगर ये काम तुमने किया है तो इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। और ये देखकर यहाँ पर ध्रुवा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। गुम है किसी के प्यार में आप सबने देखा कि कैसे जो है वो सभी बहुत परेशान हो जाती है। सभी को ध्रुवा और उसके दोस्त जो है वहाँ पे बंद कर देते हैं, रूम में बंद कर देते हैं। और उस वक्त सभी की क्या हालत होती है, पूरी तरीके से चोट लग जाती है, डरी हुई होती है, भूखी होती है, परेशान होती है। और ये सब कुछ देखकर ईशान बेहद परेशान हो जाता है। ईशान जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान दिखता है कि वो उसको प्रॉपर पानी वगैरह पिलाता है, बैंडेज वगैरह करता है। और फिर जब यहाँ घर आता है तो पूरे वक्त वो सभी के बारे में सोच रहा होता है। ईशान गुस्से में यहाँ पहुँचता है, घर पहुँच कर पूछता है ध्रुवा से कि आखिर क्या हुआ था। जिसके बाद ध्रुवा की हालत तो ख़राब होती है लेकिन वो लगातार झूठ बोल रही होती है। अब यहाँ पर घर वाले जो हैं वो देख रहे हैं और ध्रुवा की जो मॉम है वो अच्छी तरह से ध्रुवा को जानती है और वो जानती है कि वो इस लेवल पर जा सकती है। इधर आप देखने वाले हैं कि जो सुरेखा है वो ध्रुवा का पक्ष लेती नज़र आती है और फिर यहाँ पर वो उसे समझाती है, यानी कि ईशान को समझाती है कि ध्रुवा ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर ईशान जो है वो अनवी से पूछता है कि ध्रुवा तुम नहीं, अब अनवी तुम बताओ कि क्या हुआ था कॉलेज में। जिसके बाद यहाँ पर अनवी का हाथ कुछ इस तरह से ज़ोर से पकड़ लेती है ध्रुवा और ये चीज़ ईशान बहुत ही तरीके से नोटिस करता है। वो देख लेता है कि यहाँ पर जो है ध्रुवा ये हरकत कर रही है और यहाँ पर अनवी अपना बयान बदलती नज़र आती है और कहती है कि हाँ दादा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर ईशान को बहुत गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद यहाँ साफ साफ वो बोल देता है कि अगर ये हरकत तुम लोगों ने की है तो फिर ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। और फिर यहाँ आकर वो पूरे वक्त सभी के बारे में सोच रहा होता है, वो सभी को लगातार याद कर रहा होता है, उसकी फिक्र होती है। ईशान को वो अंधेरे में बैठा होता है बिना डिनर किए चुपचाप, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सभी के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि सुरेखा आती है और उसके लिए दूध लेकर आती है और कहती है तुम टेंशन मत लो और अगर ध्रुवा ने गलती की होगी तो हम उसे सज़ा देंगे, मैं उसे सज़ा दूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो ईशान है वो कहता है कि आप खुद सोचिए इस हालत में जो है वो सभी गलत कैसे बोल सकती है। जिस तरह से सभी की हालत थी वो बहुत डरी हुई थी, उसे कुछ हो जाता तो क्या होता, कॉलेज का रेपुटेशन ख़राब हो जाता और एक लड़की को इस तरह से रूम में बंद करना ये कहाँ तक सही है। यहाँ पर सुरेखा जो है उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि पूरी तरीके से ईशान मूड में है कि अगर ये गलती ध्रुवा की है तो वो उसे नहीं छोड़ने वाला है। इसके साथ साथ वो यहाँ पर कॉलेज की मीटिंग बिठाने वाला है, स्टूडेंट्स की मीटिंग बिठाने वाला है। इसके बाद यहाँ सुरेखा जो है वो ईशान के दिमाग में ये बात डालती है कि शायद हो सकता है कि ईशान ने ये सब कुछ किया हो और सभी जो है उसके कहने पर ये सब कुछ कर रही हो। लेकिन यहाँ ईशान कुछ नहीं सुनता और कहता है कि वो एक मीटिंग बिठाने वाला है और जिसमें ध्रुवा का सच अगर सामने आया तो ध्रुवा को सज़ा मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।